मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय के गेट पर दबंगों ने गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं हत्या की घटना से विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के प्रयास में लगे गार्ड सवार लोगों ने गेट पर रोकने के विरोध में गार्ड पर फायर झोंक दिया और उसकी मौत हो गई, जबकि सिक्योरिटी सुपरवाइजर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज सुभारती मेडिकल कॉलेज में ही चल रहा है। उसके हाथ में गोली लगी है। सर, एक सुभारती में गोली कांड हुआ है, कितने लोग मरे हैं और कितने घायल हैं? देखिए, कल रात्रि सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने को लेकर विवाद हुआ। वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि जिस गाड़ी पर पास नहीं लगा होता है उसको अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, तो वहाँ पर गार्ड इत्यादि ने काफ़ी सराहनीय काम किया और इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किन्हीं कारणों से इन लोगों ने विवाद बढ़ने पर गार्ड को गोली मार दी और एक अन्य व्यक्ति को गोली मार दी। इसमें एक गार्ड की मृत्यु हो गई है और दूसरे आदमी की अवस्था ठीक है। अभी जिन लोगों ने गोली चलाई है उनको लगभग आइडेंटिफाई कर लिया है, इसमें उनकी गिरफ्तारी एवं अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। मुकदमा भी लिख दिया गया है तथा अन्य शांति व्यवस्था संबंधी भी कोई समस्या नहीं है। सर, सुभारती में पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और विवादों में रहा है, कुछ अभियान आपकी तरफ से चलाया जा रहा है, जैसे छात्र भी इसमें अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं? हमने अपने वहां से सभी यूनिवर्सिटीज़ को, मात्र सुभारती ही नहीं, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, उन सभी को लेटर लिख रखा है। लगभग सभी के डीन और CO को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है कि जितने भी हॉस्टल्स हैं या जितने भी विद्यार्थी किराए पर रहते हैं आसपास के इलाकों में, उन सभी का वेरिफिकेशन कराया जाए। साथ ही मकान मालिकों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि उनको बिना वेरिफिकेशन कराए, पुलिस वेरिफिकेशन कराए, अपने वहाँ ना रखें।